नमस्कार, मैं मीनू एम एस देवी दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में और नई रेसिपी के साथ में। आज मैं आपको गोभी के पराठे बनाना बताऊँगी कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो है मैंने ठंड में नहीं डाला था। इस समय जो है मैं आपको बता रही हूँ, मैंने एक पानी पतीले में चढ़ा रखा है कढ़ाई में, और इसमें नमक डालना है हमको करीब आधी चम्मच, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। और नमक से और हल्दी से हमारे जो भी इसमें हमारी गोभी में कीड़े हैं बारीक बारीक, या फिर कोई भी डस्ट है जो भी है वो सारी निकल जाती है। और हमको इसको कढ़ाई पे खूब गर्म खोलते हुए पानी में हमको इसको अच्छे से डालना है। डालने के बाद में हम इसको गोभी को अलग कर लेंगे। तो ये हमने खूब खोलते हुए पानी में डाला है, खूब बढ़िया परफेक्ट गोभी हमारा हो गया है। और गोभी क्योंकि ये आपका हमको कद्दूकस करना, हमने थोड़ी देर के लिए निकाल के इसको रख लिया था, इसका पानी सुखा लिया है गोभी का। और इसमें हरी मिर्च लिया है मैंने 4, और इसको मुझे बारीक काटना है। हरी धनिया और किसा हुआ हमारा जिंजर यानी अदरक है। अभी हमने कद्दूकस कर लिया है गोभी को, और ये 2 गोभी लिया है हमने, और ये 8 ये हरी मिर्च कटी हुई, और इसमें जो है थोड़ा सा अदरक। जितना ज़्यादा हम डालेंगे बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है हमारे पराठों में, चाहे वो गोभी का पराठा हो या ये अजवाइन डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून। और अजवाइन से इसका फ्लेवर जो है अजवाइन का वो इसमें बहुत अच्छा लगता पराठों में, तो इसमें हमने डाला है अजवाइन। और थोड़ी सी डालूंगी जो है नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और इसमें डालना है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और ये जो है इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी, और ये जो है मिक्स करना है हमको अच्छे से, जिससे हमारा जो है बैटर बिल्कुल बढ़िया सा, हमारा मिक्सर जो है ये हमने जो तैयार किया है ये कद्दूकस करके जो गोभी, इसको बिल्कुल अच्छे इक्वली हमारा नमक वमक मिल जाए आराम से। और इसमें हमको डालना है थोड़ी सी हींग, जो कि मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून। और इसमें जो है इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें अगर ये अब हमने लिया है गेहूं का आटा, ये लिया है करीब 1.5 कप, और इसके बाद में मुझे इसमें ऐड करना है 1/2 कप से कम बेसन, और ये डाल रही हूँ। और इसके बाद में इसमें ऐड करना है मुझे 1 कप मैदा। तो ये आप इसमें जो है आप अपने हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं आटा या मैदा या बेसन, और इससे बेसन से हमारा जो है टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। 1/2 कप हमने मैदा लिया है। अब हमको इनको सबको मिक्स करना है अच्छे से, और इसमें हमको डालना है जो है ये हमको कि डो तैयार करेंगे और पराठे के लिए, तो इसमें हमने डालना है थोड़ी सी अजवाइन, और ये हमने 1/2 टीस्पून लिया है। और इसमें डालना है हमको थोड़ा सा नमक, जो कि हमारे आटे में जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आएगा उससे, और टेस्ट अच्छा आएगा। अब हमने डालना है इसमें हींग करीब 2 चुटकी, और इन सबको डालने के बाद में हमको थोड़ा सा लेना है ऑयल। तो आप चाहे देसी घी ले लो, और चाहे आप कोई भी रिफाइंड या कोई भी ऑयल ले सकते हैं। हमने मूंगफली का तेल लिया है, जो कि हमने डाला है 2 टीस्पून। और इन सबको डालने के बाद में हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, जो कि 2 चुटकी है, और ये हमको ये क्रिस्पी थोड़ा सा करेगा और टेस्टी बनाएगा हमारे इसको फुलाएगा, और हमारा जो डो है बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। इन सबको हमें मिक्स करना है इक्वली बहुत अच्छे से, और इसके बाद में हमको ऐड करना है थोड़ा थोड़ा पानी, और अगर आप वार्म वाटर लें तो वो भी ले सकते हैं, हमने नॉर्मल वाटर लिया है। तो नॉर्मल पानी हम इसमें ऐड करेंगे, और धीरे धीरे आटा हम अपना पूरा कम्प्लीटली अच्छे से गूंदेंगे। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं, क्योंकि गीला भी नहीं होना चाहिए हमारा आटा, और ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइट होगा तो वो पराठे सॉफ्ट नहीं बनेंगे, और ज़्यादा ढीला हो जाएगा तो हमारा जो बैटर जो हमने तैयार कर रखा है जो मिक्सचर गोभी का, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो हमको एक नॉर्मल आटा अच्छा स्मूथ अच्छा सा रेडी करना है। तो ये हम आटा रेडी कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि हमारा आटा बिल्कुल गीला ना हो।
तो इसको हमको अच्छे से मैश करने के बाद में आधे घंटे इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो आप चाहें तो इसमें जो है हल्दी भी डाल सकते हैं, और भी कुछ जो आपको टेस्ट इसका अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। आप करी पत्ता भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो भी बहुत उसका फ्लेवर भी अपना अच्छा लगेगा, लेकिन गोभी का एक अपना फ्लेवर होता है, तो इसलिए इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है। नॉर्मली एक इजी ढंग से मैं आपको सिखा रही हूँ कि बता रही हूँ कि कैसे हम बनाएंगे गोभी का पराठा। और इसमें हम प्याज भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो आप जो है इसमें कुछ भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हैं। तो ये गोभी का पराठा हमने लिया है, बहुत ही इजी तरीका, और इसको हमको जो है फ्राई करके भी बनाना आपको बताऊंगी। कि जैसे कि अगर आपको पानी सुखाने की जगह आप डायरेक्ट जो है कढ़ाई में हींग और अजवाइन डाल के थोड़ी सी हल्दी डाल के आप इसको फ्राई भी कर सकती हैं। थोड़ा सा 1 टीस्पून या 2 टीस्पून ऑयल डाल के इसको आप जो है गोभी को फ्राई कर सकती हैं। ये देखिए मेरा अब कितना बढ़िया रेडी हो गया आटा, और कितना सॉफ्ट और अच्छा आटा गूंद गया है। अब हम जो हम बनाएंगे पराठा, तो इससे फूटेगा नहीं बिल्कुल, और इससे बाहर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत ही सही आटा हमारा गूंदा है। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमको जो है लेना है, गैस ऑन करनी है, और इसके बाद में मैंने पैन तवा चढ़ाया हुआ है, और इस पे मुझे ये जो ये पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है गोभी का मिक्सचर, तो इसको हमें अच्छे से लोई को लेना है और हाथ में पुश करके दबाना है। दबाने से और ज़्यादा सॉफ्ट हमारा आटा हो जाता है। फिर मैंने डस्ट लिया है, ये मैदा लिया हुआ है, तो ये हम इसमें हाथ में हल्का सा लगा लेंगे, जिसकी वजह से ये आसानी से हमारा जो है पराठा बिल जाए। और थोड़ा सा हमको बेलना है हल्का सा, और उसके बाद में इसमें हमको फिल करना है। तो ये जो है हमने फिलिंग के लिए जो तैयार पे रखा है सामान, तो इसके अंदर हमको अच्छे से भरना है। और ये देखिए अभी फटेगा भी नहीं हमारा पराठा, और बहुत ही अच्छे से आसानी से भर जाएगा। और ये देखिएगा मैं धीरे से इसको पुश कर करके इसको चारों तरफ से हमको समेटना है, और एक दो अच्छे से हमको इसको फिल किया हुआ तैयार करना है। अभी हमको अच्छे से पुश करके दबाना है, और दबाने के बाद में हमको आटे में डिप करना है, और इसके बाद में हमको आराम से बेलना है। हमको आहिस्ते आहिस्ते बेलना है, जिससे कि हमारा जो भी जो इसमें सामान है फिलिंग के लिए जो तैयार किया था वो बाहर ना निकले। और इसके बाद मुझे मेरा जो है तवा रेडी हो रहा है, तो अभी हमको इसको ग्रीस करना है। और मैंने दो तरह के बता रही हूँ, लोहे के तवे पे भी मैंने बनाया है एक पराठा, और एक नॉनस्टिक पे बना रही हूँ। तो नॉनस्टिक बहुत ज़्यादा तेल ऑयल नहीं लगता है, और जो है लोहे पे उस पे बहुत क्रिस्पी बनता है। तो अभी मैं दोनों तरह के बता रही हूँ आपको। ये पहले मैंने नॉनस्टिक पे डाल के तैयार किया हुआ है। अब ये देखिएगा, अब ये तैयार जो है मेरा तवा गर्म हो गया है। अब मुझे इसको ग्रीस करना है अच्छे से। मैंने मूंगफली का ऑयल लिया है, आप बटर भी ले सकते हैं, आप देसी घी भी ले सकते हैं। तो इसको हमको इक्वली फैला देना है ऑयल को, और चारों तरफ। उसके बाद में मैं पराठा ऐड कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ। तो ये जब तक रेड कलर नीचे का पोर्शन में नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको थोड़ा वेट करने देंगे। तब तक मैं दूसरा पराठा बेल रही हूँ। और ये जो है आप इसको गोभी के पराठे के को दही के साथ में है, रायते के साथ में है, बूंदी के रायते के साथ में, खीरे के रायते के साथ में, या हरी धनिया की चटनी के साथ में, या अचार, या आप टमाटर की चटनी के साथ में खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और आप ज़रूर बनाइएगा और इसको एंजॉय जरूर करिएगा। और ये जो है आपका जो है इस समय असल में थोड़ी सी सब्जियों को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी है, तो इसलिए बिल्कुल फ्रेश मेरी गोभी नहीं थी, एकदम फ्रेश जो कि लेके तो 2-4 दिन रखी हुई गोभी थी, इसीलिए मैंने अच्छे से इसको अच्छे से वॉश करके देखिए अब बन गया है। अब मुझे इसमें तवे पे ऐड करना है, तो वॉश करके मैंने पानी में डिप किया है। कभी भी आप गोभी को जब आप बनाइए तो उसको ज़रूर खोलते हुए पानी में
थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के आप डिप कर दीजिए, तो जो भी चम्स हैं, जो भी वो हैं, सारे हट जाएंगे और थोड़ा सा आपका गोभी भी क्लीन हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने एक पराठा डाला है, दूसरी को फिल कर दिया है। अब मैं इसको बेलूंगी और ये जो है बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा। और ये बहुत इजी तरीका हमने बताया है आपको, और ये फ्राई करने वाला नहीं, बिल्कुल कच्चा हमने भरा है, क्योंकि जो है हमने जो गरम गरम पानी में गोभी डाला था तो काफ़ी कुछ हल्का सा वो पक सा गया था, तो वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हमको अच्छे से ऑयल लगाना है, आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं या देसी घी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा जो है पराठा एक तरफ रेडी हो गया है और दूसरी तरफ मैं ऑयल लगाऊंगी, और जो कि जो है हमको जितना ज़्यादा हम रेड कलर का इसको दबा दबा के सेकेंगे उतना ही बढ़िया क्रिस्पी और टेस्टी लगेगा हमारा पराठा। और जो है आप इंजॉय करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और कैसा मेरा पराठा लगा आपको तो ज़रूर बताइएगा। तो ये जो है बहुत इजी है और कोई टिपिकल नहीं है, बिल्कुल आसानी से बन जाता है। और ये जो है मैं आपको और भी बहुत सारे पराठे बताऊंगी, तो मैंने जो है बथवे का भी डाला हुआ है वीडियो, और जो है और मैं आपको बताऊंगी आलू का भी डाला हुआ है। तो ये देखिए, हमारा पराठा बिल्कुल रेडी होने वाला है। और ये जो है जितना ज़्यादा आप रेड सेकोगे उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा और खाने में बहुत टेस्टी होगा। तो ये जो है इतनी बढ़िया महक आ रही है, बहुत अच्छी महक आ रही है, क्योंकि अदरक इसमें पड़ी है, हरी धनिया और अजवाइन पड़ा हुआ है, और जो है इन सबको जो मिला के जो महक है वो बहुत अच्छी आ रही है। और आप इसको चाय कॉफ़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो है आपको मैं, थोड़ा लेट हो गया सॉरी, ठंड में हमें बताना था लेकिन मैं थोड़ा सा नहीं बता पाई, सॉरी, क्योंकि और भी बहुत तरह से वीडियो हमको डालने होते हैं। और ये जो है आप मेरे पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं, ये देखिए मेरा पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है। और अगर आपको और ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है तो आप जो है उसको और भी सेक सकते हैं। और इसके बाद में ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है हमारा पराठा रेडी। और अब मैं डालूँगी दूसरा पराठा, और ये जो है आप ज़रूर इंजॉय करिए, अचार के साथ में खाइए, या फिर आप जो है किसी के साथ भी, आपको जिसमें पसंद हो। हमने हरी धनिया की चटनी का वीडियो भी डाला है, टमाटर की चटनी का भी डाला है, तो वो भी आप जो है इंजॉय कर सकते हैं। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैंने बनाई है। अब ये मैं दूसरा पराठा डाल रही हूँ, और ये देखिए हमारे जो है पराठे बिल्कुल, अब ये मैंने तवा, लोहे के तवा पे दिखा रही हूँ कि लोहे के तवा पे कितना रेड एंड क्रिस्पी लग रहा है। इसमें मैंने बटर डाला है, तो ये जो है आप इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं गोभी का पराठा। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है, मैंने दही के साथ में आम के अचार और टमाटर की चटनी के साथ में सर्व किया है विद बटर, आपको कैसा मेरा वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में बाय।